अनजानी कुछ पहचानी नई लगे या बात पुरानी। आग बहू तो सास है पानी, आग और पानी, आग और पानी, आग और पानी। घर में कब दोनों की बनी है, सुबह हो या शाम ठनी है। दोनों की अपनी मनमानी, नई लगे या बात पुरानी। बाप हमेशा का बेचारा, बेटा है किस्मत का मारा। खेत बुझाने सारे घर का, नौकर भी है चलता पुर्जा। रोज नई घर में नादानी, नई लगे या बात पुरानी। आग बहू तो सास है पानी, आग और पानी, आग और पानी, आग और पानी। किस तरीके से वो मेरी खुशियों को बर्बाद करती है, उन्हें तो मेरी छोटी से छोटी खुशी भी गवारा नहीं है। अरे 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 अरे, अरे बात यह है कि नगीना की तबीयत तो पिछले 25-30 साल से खराब चल रही है। अच्छा अच्छा, वो मुझे इजाजत देंगी, मेरा मशवरा कबूल करेंगी। पता नहीं क्यों हो गया तुम्हें तो। अरे कैसे बात कर रहे हैं आप? अरे हमको भला ये बताइए कि कोई भड़का सकता है आपके खिलाफ? अरे आपको तो भड़काने वाला तो अभी दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। मैं और इफ्फी कई दिनों से आउटिंग पर नहीं गए हैं। मैं और इफ्फी आउटिंग पर चले जाएं, आप अगर इजाजत दें। आप तो जानती हैं कि इफ्फी आपकी इजाजत के बगैर मुझे कहीं लेकर नहीं जाते। माशाल्लाह इफ्फी बहुत वफादार हो गया। जी मम्मी, तो मैं और इफ्फी समंदर पे जाएं? जाओ बेटा, इसमें इजाजत लेने की क्या जरूरत है, जाओ आप। हाँ? भाई मैं कह रहा हूँ ना यार, अगर वो मेरी मम्मी है यार, मैं तो जानता हूँ। फिर तो तुम्हारा ही सोच के उन्होंने आउटिंग के लिए ना इजाजत दे दी होगी, वरना मैं अपनी किसी फ्रेंड के साथ जाने का कहती तो फौरन मना कर देती। हाँ? इधर मेरी बात सुनो। जी जी बोलिए। कमरे में जाओ इरफान के। गए। उसको बाहर बुलाओ। बुलाया। आफरीन को पता ना चले। नहीं चले। बुला के लाओ, मतलब चुपके से। हाँ। बड़ी बेगम साहब ने मिश्र किया है कि छोटे साहब को चुपके से बुला के ले आओ, छोटी बेगम साहब को पता नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा यार, तू तो बकवास बोल रही है। ठीक है मैं कह देता हूँ, वो नहीं आ रहे। आफरीन को समंदर ले जाके पैसों की बर्बादी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मम्मी मैं उसे तैयारी का कह चुका हूँ, उस बेचारी का दिल टूट जाएगा। हाँ, माँ के हुक्म से ज्यादा बीवी के दिल का ख्याल। बहुत अफसोस हुआ मुझे आफरीन। नहीं नहीं मम्मी, आपको अफसोस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वैसे भी मैंने इफी से कह दिया है कि आप जब साइट पर जाएं तो मुझे जाते जाते मेरी अम्मी जान के यहाँ छोड़ जाएं, तो मैं इसी बात की आपसे परमिशन लेने आई थी। अच्छी बात है ना, अम्मी के घर में कम अज कम डूबने का खतरा तो नहीं होगा ना। जी? डूब मरो कहीं जाके। मुझे समुद्र में लेके जाओगे या नहीं लेके जाओगे? लेके जाऊंगा। मैंने शुक्र करो तुम्हारी अम्मा के सामने उनकी भी इज्जत रखी और तुम्हारी भी, वरना तो जब तुम साजिशें बना रहे थे ना, मैं और किस वक्त बताती तुम्हें। अब लेकर जाओगे कि नहीं लेकर जाओगे? लेके जाऊंगा। थैंक यू, थैंक यू कि तुमने मम्मी के सामने इज्जत रख ली। अब हम समंदर में जा ही रहे। मेरी बात सुनो। ये मेरे कमरे की क्या हालत कर रखी है? बहू को तो मेरे कमरे का ख्याल ही नहीं है। ये काफिल के बच्चे ने तबाह कर दिया मेरा कमरा। अरे देखे ना, बात तो सुनिए, क्या हो गया आपको? काहे को इतना टेंशन में? उधर भी इतना जोर जोर से बोल रही थी, क्या प्रॉब्लम कहा? अरे मेरी मत मारी गई है, मेरा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब हो गया तो ये बताने का क्या जरूरत है? उसका तो हमको पहले ही यकीन है। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे हमारा दिमाग काहे को खराब होगा? हमारा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है ना। तुम मेरे कमरे में से निकलो फौरन। अच्छा कमरे से निकलो? क्या कर रही है आपको पता? क्या कर रही है? कमरे से निकाल रही है हमको आप? अरे तुम मुझे जहर लग रहे हो इस वक्त। देखिए ऐसा बात नहीं करें, आप सब ये भूल रहे हैं कि हम आपके हस्बैंड हैं और पिछले 28 साल से इसी घर में रह रहे हैं। और तो क्या, इसी घर में रह रहे हैं, आपका खिदमत उमदत भी कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, तुम और तुम्हारा बेटा इस घर में रहने के काबिल नहीं है। क्या कर रहे हैं? पर हम और हमारा बेटा इस घर में रहने के काबिल नहीं है तो ये तो बताइए कि हम जाए तो जाए कहां? फिलहाल हमारे कमरे से जाइए।
कमरे से निकाल लिया। अच्छा फिलहाल फिलहाल ना, और फिलहाल वाली बात तो ठीक है, चले फिलहाल चले जाते हैं, लेकिन हम फिर आएंगे। जल्दी जाओ यहाँ से। जाते हैं जाते हैं मेरे सामने लिया, उसकी क्या जरूरत है छोटी बेगम की जो मेरे सामने आए, खबरदार उसका नाम मेरे सामने लिया। आप भी मुझे बुलाया क्यों था? अरे मैं पूछ रही, इरफान इरफान किधर है? इरफान साहब, हाँ याद आया, वो ना अपनी बेगम के पैरों पे ना नाखून पॉलिश लगा रहे हैं। मेरी बात सुनो, बाहर जाकर किसी को ना बताना कि हमारा बेटा जो बहू पर नेल पॉलिश लगाता है। जा यहां से। पागल करके रख दिया। क्या हशर हुआ मेरे कमरे का, क्या करूं मैं, क्या बहुत दुख करते मार तो सारंग। गाफिल, अरे ओ गाफिल, पता नहीं कहां मर जाता ये गाफिल, पता नहीं कहां चला गया गाफिल। क्या कहां गई, कहां? ओ उस्ताद गाफिल, आज इस घर में कोई बम फटे ही फटे। ओ घर आया मेरा, डिंग डंग डिंग डंग। आप कौन है? ओए देखता नहीं तू कौन हूं? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आप है कौन? ओए और क्या तूने कभी अपनी अम्मा फुप्पो खाला और किसी को नहीं देखा? अम्मा फुप्पो खाला, अच्छा अच्छा, ये तीनों खवातीन तो मेरी पैदाइश से पहली फोटो गई थी। ओए नगीना कहाँ है? नगीना चमकता धमकता नगीना ये रिया। क्या बकवास कर रहा तू? नहीं मैं सही कह रही हूँ आपा, अब इस घर में वाहिद अकेला नगीना मैं ही रही हूँ। ओ जा जा के इरफान की माँ को बुला के ला। अच्छा तो ये कही है ना, आप बड़ी बेगम साहबा को पूछ रही हैं? ओ जाता है, जूती उतारू तेरे लिए मैं। नहीं नहीं बड़ी बेगम साहबा किसी से नहीं मिल सकती। हाँ ये जूती वूती अपने पास रखो। अब आप पूछेंगे क्यों? इसलिए कि आज उनके दिमाग में 440 वोल्ट का करंट दौड़ लिया है। आज तो अपने हस्बैंड जो है ना उनके मिस्कीन अहमद, उनको भी बर्दाश्त नहीं कर रही हो। ओए जाता है लगाओ तुझे। अरे देखिए ये जो मुलाजम हमारा कह रहे हैं, इनका बात पे बिल्कुल यकीन कर लीजिए। आज वो जो हमारे निगो है ना, उनका तबियत ठीक नहीं है, बहुत गुस्से में है। मुलाजम कैसे बात कर रहे हैं? मुलाजम है वो, देखिए उस शकल से तो हम थोड़ा मुलाजम मुलाजम लगता है। हाँ, ये तो है, थोड़ा मचम मचम लग रहे हैं। हाँ। लेकिन हम उससे भी बदतर हैं भाई, हम वो अपनी जो नगुआ है ना, नगो के सोहर हैं। ओए ओ मस्कीन अहमद, ओए तूने अपनी क्या हालत बनाई हुई है? अरे ये हालत हमारा नहीं है, ये जो हालत बन गया है ना, इसका दो वजह है। एक वजह तो हमारा अपना मुकद्दर है, और दूसरा तो बता वो हमारी वो है ना बड़ी बेगम साहब, मार घुमाई। बस करो बस करो, जा रब दा वास्ता, पागलों का टोला कट्ठा होया, जा बुला के लाओ नगीना को। अच्छा तो आपका मतलब ये है कि ये हमारी जो निगो है उनको बुला के हम लाएं? ओए हां भाई हां, जा बुला लाओ। अच्छा ठीक है, अगर आप कहती हैं तो चलें, आप ही की वजह से ही हम अपना अपना इज्जत बढ़ाते हैं, उनका पास चले जाते हैं, उनका हाजिरी दे देते हैं, उनका हुजूर में पेश हो जाते हैं। हाँ। जो भी समझ लीजिए आप। हाँ। अच्छा आप घबराइए ना, नहीं कोई गड़बड़ हो ना तो आप चीख मार दीजिएगा। अच्छा, मैं आ जाऊंगा। अच्छा नहीं मतलब ऐसे ही। अल्लाह माफ करो। अरे सारे पागल इकट्ठे हुए। एक्सक्यूज मी, नहीं मतलब आप तो पहले कभी देखा नहीं इस घर में। ओए होश में है तू अपने, अंधा था क्या पहले? नहीं नहीं अंधा बंदा नहीं था मैं। हाँ भाई देखे, मैं 6 साल पहले यहाँ पे आया था, जब आप आई होंगी तो जब मैं था नहीं।
मुझे 6 साल हो गए घर में काम करते हुए। ओए होए, ओ मेरी किस्मत, ओ तुझे नगीना 6 साल से बर्दाश्त कर रही है। ओहो, 6 साल से मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, मुझे कोई नहीं बर्दाश्त कर रहा। ऐसी बातें मत करो दिल जलाने वाली। बात सुनो, मैं रीढ़ की हड्डी हूँ इस घर की, रीढ़ की हड्डी। मैं चला गया ना, पहला लाइसेंस हो जाएगा सबको, और मेरे बगैर कोई काम होता नहीं घर का। बातें कर रही हैं आप? गाफिल, ओ गाफिल। देख लिया मेरी इम्पोर्टेंस, देख ली कितनी वैल्यू, कितनी डिमांड है घर में। अब नहीं आऊंगा आपके हाथ में मैं, और टाइम भी नहीं मेरे खाने। अरे गुलजारी, तुम कब आए? कैसी हो? ठीक तो हो ना? ठीक हो ना? अरे शुक्र है नगीना बेगम, तुम मुझे घर में मिल गई। अरे वरना तुम्हारा ही मुलाजिम और तुम्हारा शोहर, अरे वो दोनों तो मुझे भुगा रहे थे। क्या कह रहे थे तुम्हें? अरे वो मुझे कह रहे थे नगीना बेगम को दिमाग के दौरे पड़ते हैं, पागल हो गई है वो। इस कमबख्त के बच्चे को मैं छोड़ूंगी नहीं। कौन, मुलाजिम या मिस्कीन? इस मनुष मारे काफिल की बात कर रही हूँ मैं। आग और पानी, 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 आग और पानी। छोटी बीवी, बड़ी बेगम साहबा के पास ना एक औरत आई है, ऐसी खुर्रार लग रही है शक्ल से, और जुबान ना उनकी ऐसी चिक 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 कैसी की तरह चल रही है, मुझे कुछ दाल में काला लग रही है ईमान से। अच्छा गाफिल, तू एक काम कर। बोलिए। तू जरा जा और जाके सारी बातें सुनकर वापस आकर मुझको बता। चल। ठीक, वेरी गुड। छोटी बीबी, मैं इस घर में कामकाज के लिए हूँ, मैं 007 नहीं हूँ जासूसी के लिए। फिर सोच ले, 100 रुपए का सवाल है। हाँ, 100 के नोट का मामला है, फिर तो ठीक है, लाइए 100 का नोट। जाके पहले बातें तो सुनकर आओ, पहले ही मुंह फाड़ दिया। आप फिक्र ही मत करें छोटी बीवी, आज गाफिल की परफॉर्मेंस देखने से ताल्लुक रखेगी। ढन ढन। अच्छा बात सुने, 100 का नोट देंगी ना, बाद में फिर तो जाएंगी जुबान से? गाफिल, तुझे मुझ पर एतबार नहीं है? अपनी छोटी बेगम पर एतबार नहीं है? है है। अच्छा ये देख। हाँ। ये पकड़ एडवांस। अच्छा अच्छा, 2 का नोट? 100 के नोट की बात हुई है अभी अभी? हाँ तो ये एडवांस दिया है ना मैंने तुझे। अच्छा अच्छा, 98 रुपीज बाद में। हाँ ठीक है, बस अब आप काम देखें। सास साहिबा, अगर तुम भी ये पॉलिसी सीख लो ना, तो ये कमबख्त तुम्हारे लिए भी काम शुरू कर दे। तुम कुछ कह रही थी अपनी बहू के बारे में। ध्यान किधर है तुम्हारा, क्या कर रही हो अभी? सत्यानाश जाए तेरा, कंसोइया लेता है तू मेरी, है ना? मुझे ये बता, तू मेरा मजाक उड़ाता है ना, है ना? नहीं ना, कसम से कह रही हूं मैं, अपनी ईद की चप्पलें ढूंढ रहा था मैं, आप शक कर रही है मेरे ऊपर। तेरी तो मैं रग रग से वाकिफ हूं गाफिल। बस में, अरे ये क्या क्या लाल बेग? बहुत, मैं क्या बताऊं, कमबख्त है पूरा, बहुत तंग कर रखा है इसने मुझे। चल छोड़ नगीना, छोड़, बहुत सर चढ़ा रखा है तुम सब घर वालों ने इस नामुराद को। अरे मैंने थोड़े चढ़ाया, ये तो आफरीन ने चढ़ाया है। वैसे तुमने उसको पकड़ा, मैं होती तो मुझे तो खबर ही ना होती। अरे कैसे नहीं पकड़ सकते थे, ईद के ईद नहाता है, ईद के ईद। इसकी बदबू ऐसी है जहाँ कहीं इलाके में बाहर निकल जाता है लोग नाक बंद कर लेते हैं, गाफिल आया। अगर हमने कोई दर दर मखलूकात या मखलूकात नहीं की हो तो आप दोनों के लिए चाय बना के ले आए क्या? ऐसे करें, आप चाय बना के चाय को दम लगाए, खुद भी दम ले, और 1 घंटे से पहले नहीं आना। 1 घंटे से पहले यानी हम नहीं आ सकते? हमें कुछ बातें करनी है गुलजारी बेगम से। तो इसका मतलब है कि आज आपसे
नहीं मिलने का तन है, यानी आज आप हमारे लिए प्रोहिबिटेड हैं। चलिए बैठिए जाके। हाँ बना के जल्दी लाना। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी। यार गाड़ी तेरा काम तो हुआ नहीं, शो का लोड भर गया तेरा। काम हो गया गाफिल? छोड़ी भी काम। हाँ काम, हाँ हो गया, हो गया काम। क्या हुआ बताओ जरा। वो आपको ना गलत फहमी है उनके बारे में। क्या? हाँ वो बड़ी बेगम साहब है ना, उस औरत से आपकी इतनी तारीफें कर रही थी, इतनी तारीफें करे चली जा रही थी, रुक नहीं रही थी। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आया। अच्छा। हाँ हाँ, तो 100 का नोट लाइए। 100 का नोट चाहिए तुझे? अभी देती हूँ 100 का नोट। एडवांस ला। एडवांस? ये भी? ये ले। कमबख्त। ये पकड़ 100 रुपए। चल ये भी रख एडवांस बोनस के तौर पे। थैंक यू। यार गाफिल, अगर दिन में 2-3 काम तेरे ऐसे हो जाएं, ओए होए जिंदगानी संभल जाए बच्चू। थैंक यू। निकम्मा कहीं का, मुझे बेवकूफ समझता है। छोटी बीवी, ये क्या कर दिया आपने? ये बीच में टेप लगा हुआ है, दोनों नंबर अलग अलग हैं, ये तो जारी हो गया। जी हाँ, नकली बातों का नकली रुपया ही मिलता है। वैसे भी मैं उस अपनी सास को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, वो मर जाएंगी लेकिन कभी किसी के सामने मेरी तारीफें नहीं कर सकती। अच्छा ऐसे है कि आप जो ना असली नोट तैयार करके रखें, अब की मैं अपने कान फुल भर के आऊँगा। जब कान भर के आएगा ना तो नोट भी असली मिल जाएगा। चल जाओ यहाँ से। मैं फिर चला। ठीक है, मगर इसके लिए तैयार कौन होगा? अरे तुम इसकी फिक्र ना करो, मेरे जानने वालों की लड़की है, बहुत खूबसूरत। अरे फरिश्ते भी देखें तो आशिक हो जाएं उसके ऊपर। तो फिर क्या होगा? अरे अगर वो तुम्हारे दूर पड़ेगी भांजी या भतीजी बन के आ जाए और तुम्हारे घर रहने लग जाए, फिर देखना। तो इससे क्या होगा? तुम देखती रहना मेरी ट्रेनिंग और मेरा काम। 4 दिन में अगर वो इरफान को मकरातीस की तरह अपनी तरफ ना खींच ले और इरफान तुम्हारे पीछे खुशामदे ना करता फिरे उससे शादी करने के लिए, तुम मेरा नाम गुलजारी से बदल के पिचकारी रख देना। आफरीन को मजा चखाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कब आएगी वो लड़की? आग और पानी, आग और पानी, आग और पानी, आग और पानी, आग और पानी। अब तेरे जाने के दिन आगे हैं आफरीन, ईंट का जवाब पत्थर से ना दूं तो मेरा नाम भी नगीना नहीं। अरे आ गए सैर सपाटा करके। अरे बोलो हो, क्या बुत बन के खड़े हो? अरे अरे आज तो हम आपका हुसन का ताब ही नहीं ला सकते भाई। अरे आज तो ईद का दिन है भाई, ईद का दिन, आप इतना खुश नजर आ रही हैं। हम तो हमेशा से खुश रहना चाहते हैं, अगर आप मुझे खुश रखे तो की बात है ना। तो इस खुशी के मौके पर एक शेर पढ़ दें हम आपके ऊपर। आ गए हो ना अपनी हरकतों पर? अरे हम तो आप पर शेर पढ़ रहे हैं, कोई लाहौल थोड़ी पढ़ रहे हैं जो आप हमारे बात को बुरा मान रहे हैं। चले आप भी क्या याद रखेंगे, एक शेर पढ़ डालो। अर्ज किया है अल्लाह रे नाजुकी, अल्लाह रे नाजुकी के गुलबवा का एक फूल, अल्लाह रे नाजुकी के गुलबवा का एक फूल, सर पर जो रख दिया तो कमरिया लटक गई। तुम भी क्या चीज हो मस्कीन। आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है, आखिर को हम
हस्बैंड भी तो आप ही के हैं। अल्लाह कैसे बोल रहे हो, हस्बैंड भी तो आपके, मैं आपको कोई जेठ थोड़ी समझती हूँ। आप हमें का समझती है, ये बात तो हम अच्छी तरह जानते हैं, हमें इसका बहुत अंदाजा है। क्या अंदाजा है? अरे छोड़िए, फिर हम आपसे कुछ कहेंगे आप हमें डांट उठ देंगी, तो फिर हमको डेड बॉडी की तरह खामोश होकर खड़ा होना पड़ेगा। चंदा, मैंने आपसे कहा था कि आप मेरी व्हाइट शर्ट निकालेगा, आपने ये वाली निकाल दी। इफी, आप वो व्हाइट वाली शर्ट ना इस पैंट के साथ कतई नहीं पहना करें। क्यों भाई? वो इसलिए कि जब आप वो व्हाइट वाली शर्ट इस पैंट के साथ पहनकर ऑफिस जाते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि स्कूल का यूनिफॉर्म पहनकर जा रहे हैं। वैसे मैं समझ गया कि आपको वो शर्ट पसंद क्यों नहीं है। वो इसलिए कि मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि हमारी ऑफिस की कुलीग है मिस किरण, उन्होंने उस शर्ट की तारीफ कर दी थी, बस। तो फिर? तो फिर ये कि बस उस दिन से आपको वो शर्ट आपकी सौगन लगने लगी और आपने वो शर्ट छुपा दी। खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। अच्छा भाई, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे ये चाय तो पीते जाइए। चाय मैं रस्ते में पी लूंगा, प्रॉब्लम क्या है? बात सुने, ये घर का कप है, डिस्पोजेबल कप नहीं जो आप लेके चले जा रहे हैं। आप फिक्र मत करें, मुझे पता है ये घर का कप है, मैं वापस ले आऊंगा। अब मुझे मार तो नहीं खानी ना भाई। बाय बाय। निशान बेटा, आज तू ऑफिस से बहुत लेट हो गया। आप? जी मैं। आई मीन आप कौन हूँ, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? यस एग्जैक्टली। आप चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। चाय तो जी मैं पी चुका। आप इस कदर हैरान क्यों हो रहे हैं? आई एम सॉरी, लेकिन आप पहचाना नहीं है ना? जी पहचाना। बूझो तो जाने। देखें जी, मैं ऑफिस से वैसे ही काफी लेट हो चुका हूँ। तो लेट ऑफिस से जाने से तो अच्छा है आप छुट्टी ले लें। आप अपना तारुफ करा देती तो बहुत अच्छा हो जाता। आपको जल्दी है तो आप जाएं, इतनी जल्दी जल्दी इंट्रोडक्शन का क्या मजा? देखें जी, मैं इस घर का फर्द हूँ, तो मेरे लिए जानना जरूरी हो गया है कि आप कौन है। जाए, मैं आपसे नहीं बोलती, आप तो अपनी मम्मी के रिलेटिव को भी नहीं जानते। एक तो मैं इतनी दूर से आई हूँ और आपने के बस। आपकी मम्मी की भांजी हूँ मैं, लायबा नाम है मेरा। ओके ओके। बाय द वे, आपकी मम्मी का कमरा ये है ना? नहीं, 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 मम्मी का कमरा वो है जी। थैंक यू वेरी मच। एक तो वैसे ही ऑफिस से लेट हो गया, ऊपर से लड़की भी बहुत लेट नजर आई है। मेरे ख्याल से आज ऑफिस की छुट्टी ही करनी जानी। कुछ पहचानी नहीं लगे या बात पुरानी, आग बहू तो सास है पानी, आग और पानी, आग और पानी, आग और पानी। कुछ अनजानी कुछ पहचानी नई लगे या बात पुरानी, घर में कब दोनों की बनी है, सुबह हो या शाम ठनी है, दोनों की अपनी मनमानी नई लगे या बात पुरानी। बाप हमेशा का बेचारा, बेटा है किस्मत का मारा, खेत को जाने सारे घर का, नौकर भी है चलता पुर्जा, रोज नई